हेलो गाइस, मैं हूं आदिल और मैं लेके आ गया हूं एक और नया रिएक्शन वीडियो। और आज के वीडियो के अंदर मैं रिएक्शन दूंगा एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर के ट्रेलर के ऊपर। ये ट्रेलर रिलीज हो गया है और मार्वल ने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। कल उन्होंने प्री रिलीज टीजर रिलीज किया और आज उन्होंने ट्रेलर रिलीज कर दिया है। और मस्ट हाइप मूवी जो कि नेक्स्ट ईयर रिलीज होनी है, जिसका हम सबको इंतजार है। और उसके ट्रेलर का भी हमें काफी टाइम से इंतजार था। कॉमिक कॉन में जब उसका ट्रेलर दिखाया गया तो उसके बाद से हम वो लीक ट्रेलर देखने के बाद उसके बाद से हम जो है ना तमाम फैंस जो थे वो बहुत एक्साइटेड थे कि पता नहीं कब ट्रेलर रिलीज होगा। और फाइनली आज ट्रेलर रिलीज किया गया है और मेरे सामने ट्रेलर ओपन हुआ है और मैं ट्रेलर का रिएक्शन दूंगा अभी आपको इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रेलर के लिए, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर मेरा फेवरेट सुपर हीरोज हैं आयरन मैन, स्पाइडर मैन और कैप्टन अमेरिका द वन एंड ओनली क्रिस एवंस, रॉबर्ट डाउनी और टॉम हॉलैंड और मार्क रुफालो द हल्क। लेट्स सी। देयर वाज एन आइडिया टू ब्रिंग टुगेदर group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. Like to lose, to feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it, run from it. Your destiny still alive. I knew he has a Thanos. Whoa, Iron Spider suit. That's great. Engage our defenses. Whoa. And get defense. This man a shield. Yeah. Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face. ट्रेलर एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर्स का, जो कि फिल्म डायरेक्ट की है हमारे सामने एंथनी रूसो और जो रूसो, दोनों ब्रदर्स हैं रूसो ब्रदर्स। और इस फिल्म के अंदर जो है वो प्लेंटी ऑफ सुपर हीरोज हैं हमारे फेवरेट सुपर, ब्लैक पैंथर, थानोस जो कि सुपर विलन हैं, और कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर और विजन और स्कारलेट विच और ब्लैक विडो, आयरन मैन, स्पाइडर मैन, थॉर, हल्क और एंटमैन, गार्डियंस, तो प्लेंटी ऑफ सुपर हीरोज हमें देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर। और ये जो मूवी है ये 4 मई 2018 को वर्ल्ड वाइड आईमैक्स और 3D के अंदर रिलीज की जाएगी। और काफी अच्छा ट्रेलर था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस ट्रेलर के, मुझे लगता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज भी है इसके अंदर, ट्रेलर के अंदर भी दिखाया गया। और मुझे लगता है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो अपना वो टाइम वाली पावर यूज करके जो है वो कुछ चेंजिंग करेंगे उसके अंदर, मूवी के अंदर। तो काफी मुझे इंतजार है इस मूवी का, क्योंकि इस ये जो है वो एवेंजर्स का फिनाले है। जैसा कि केविन फाइगी ने बताया कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स दोनों पार्ट जो हैं वो फिनाले होंगे हमारे मार्वल के इस फेज के।
और उसके बाद वो एक नया फेज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम जैसा कि न्यू मूवी स्टार्ट हो चुकी हैं, ब्लैक पैंथर आ रही है और कैप्टन मार्वल सबको इंतज़ार है। तो और सबसे ज़्यादा जो मुझे एक्साइटमेंट हुई वो देख के हुई, स्पाइडर मैन जो है वो एवेंजर्स के साथ, बहुत इंतज़ार था सब लोगों को। तो ट्रेलर बहुत मज़े का ट्रेलर था और इस ट्रेलर का जो लिंक है ओरिजिनल एचडी लिंक वो मैंने अपने कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वहाँ पे आप वो एचडी में देख सकते हैं। और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, आप क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं, अपने तमाम रिव्यूज़ मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, यहाँ प्लीज़ इस बार सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा चैनल ग्रो करे और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।